स्मृति ईरानी ने अमेठी से जय श्री राम के नारे के साथ बिजड़ में महिला सम्मेलन में अपने विचार रखते हुए कहा कि मेरा भाई अनुराग एक बार फिर से जीत का सहरा पहनेगा। मैं आपके प्रति जितना आभार व्यक्त करना चाहती हूं उतना कम होगा। हिमाचल में अनुराग की शान बड़ी है और हिमाचल ही अनुराग की शान है, ये कहना है स्मृति ईरानी का। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बड़सर के बिजट में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वे नहीं पहुंच सकी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने जैसे ही एक कॉल उठाई और माइक पर जाकर कहा कि स्मृति ईरानी आज आपके बीच ये बात रखना चाहती हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से भागने का काम स्मृति ईरानी ने कर दिया है। इस बात पर भी जमकर नारेबाजी हुई। स्मृति ईरानी ने अमेठी से जय श्री राम के नारे के साथ अपने विचार रखे और कहा कि उनके भाई अनुराग ठाकुर एक बार फिर से जीत का सहरा पहनकर संसद में आएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अनुराग एक बार फिर से हिमाचल की शान बढ़ाएंगे और पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने में अनुराग एक बार फिर से अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने लोकसभा चुनावों में कई विशेष जिम्मेदारियां उन्हें दी हैं। ये सब तब संभव हुआ है जब जनता ने अनुराग ठाकुर को आशीर्वाद दिया है। स्मृति ईरानी ने मोबाइल से संबोधन में कहा कि संसद के अंदर और संसद के बाहर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को नाकों चने चबवाए हैं और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर जनता की आवाज संसद में उठाते आए हैं। जय श्री राम। अमेठी से जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा अपना भाई अनुराग आप सबके आशीर्वाद से एक बार फिर जीत का चेहरा पहनने वाला है। मैं आपके प्रति जितना आभार व्यक्त करूँ उतना कम है। अनुराग ने जैसे हिमाचल की शान बढ़ाई, बल्कि पूरे विश्व में धारमुख नेतृत्व ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर को विशेष जिम्मेदारी दी। ये सब तभी संभव हुआ जब जनता जनार्दन ने अनुराग ठाकुर को स्वयं राज्यभार दिया। संसद में और संसद के बाहर न सिर्फ मैं बल्कि अनुराग ठाकुर भी कांग्रेस पार्टी को नाकों चने चबा देते हैं, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, जनता तक विकास को पहुंचाते हैं। आज बहन होने के नाते आप सभी बहनों के श्री चरणों में ये प्रार्थना रखती हूँ कि आप मेरे भाई के माथे पर विजय जी का जीवन निश्चित रूप से लगाए। अनुराग ठाकुर को जिताए, मोदी को देश का एक बार फिर प्रधान सेवक बनाए।